वाइट वॉश करके गए हैं यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं आप नंबर वन टीम से खेल रहे हैं इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं जय हिंद दोस्तों मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हो रहा है तो उसमें मैंने सुबह देखा था कि एक सौ छिहत्तर आउट हो गए थे तो उसके बाद मुझे लगा था कि भारत टीम मुश्किल से तीन सौ भी कर पाएगी पर उसके बाद जब मैंने शाम को देखा कि थ्री थर्टी नाइन हो गए सिक्स पे और अश्विन और जडेजा ने ही अकेले इस मैच में बहुत ही अच्छी कम बैक की है तो मैं भी हैरान रह गया तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर बातचीत कराए पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अश्विन और जडेजा ने बहुत ही अच्छी और शानदार कम किया है जो टॉप बैट्समैन थे रोहित तो और विराट के आउट होने के बाद

गेंदबाज बने बल्लेबाज दिया बल्लेबाजिशन को बहुत ही खतरनाक टेस्ट मैच चल रहा था अब तो खैर खतरनाक नहीं रहा अब तो बांग्लादेश के लिए खतरनाक हो गया और वो वो फेटा लगाते वो फेटा लगाते हैं क्या बात है अब आप बोलेंगे यार ये बंदा तो पागल ही हो गया तो मतलब एशवान को आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि कहीं यू नो फ्लूक लग गया ऐसा नहीं है वो एक कमाल बल्लेबाज है इसमें कोई शक नहीं मगर आप उनका रेकेट देखें 25 मरतबा चार विकेट ले चुके हैं एक इनिंग में 25 मर्तबा, है? 36 लिया है, 36 मर्तबा, है उन्होंने और आठ मरतबा दस विकेट लिए अंदाजा करने फोर्टीन फिफ्टी है इस कदकारर और बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी वो जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं वाइट वॉश करके गए हैं यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं आप नंबर वन टीम से खेल रहे हैं इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं बड़ी स्ट्रगल करती हैं और पहली इनिंग का बड़ा अकाउंट करता है स्कोर कि आप 300 प्लस करें और आप देखें पहले दिन उन्होंने एटी ओवर्स में थ्री हंड्रेड बना ली और छः ही आउट सो पे खेल रहा है एशवन छठा उसने अपना हंड्रेड बनाया टेस्ट क्रिकेट में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास डेप्थ कितनी है बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी है बैटिंग बॉलिंग दोनों स्पिन पेस दोनों बहुत ही अच्छी है ऐसा नहीं है क्या लेकिन इंडिया टीम टीम है है नंबर दुनिया की टीम है। हर फॉर्मेट में वो अपने आप को अप्लाई करते हैं नई चीज करने की कोशिश करते हैं कैप्टनशी उनकी सेम वही है और और मजबूत टीम बन के सामने तो आई की बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया अपनी मैं तो कह रहा था जबान से दो लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब दिया आज स्टीव बॉ ने बहुत अच्छा बयान दिया कि बी वीर ऑफ बुमरा क्या बात है जी जडेजा की दस चौके दो छक्के क्या बात है जी अश्विन की मेरे ख्याल आप लोग अन्ना बोलते हैं दस चौके दो छक्के नाट आउट है एक सौ दो पे सेंचुरी नंबर आठ पे आके सेंचरी पहले भी करी है इसने जिस तरह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट करिए जडेजा को भी शॉक करना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि बूम बूम सिराज आकाश और पांचों बॉलर बीस आउट करने वाले बॉलर हैं अब देखिए एक चीज आती है अब महेंद्र सिंह धोनी क्या मैं यकीन माने बिंग जल्दी से समझता था बल्कि मैंने कई इंडिया जर्नल्स को बोला भी यार आपकी टीम एक दो गिरेगी कहीं नहीं गिरी है मतलब माही जैसा बंदा निकला और टीम में फर्क नहीं पड़ा अब टी ट्वेंटी से रोहित शर्मा जैसा बंदा निकला और टीम में फर्क नहीं पड़ेगा अब देख लीजिएगा हल्का फुल्का पड़ेगा ऑफकोर्स थोड़ा सा बट संभाला होगा ऐसा नहीं होगा कि कमी फील होगी ऐसा कोई चक्कर नहीं है आप विराट कोहली की बात कर रहे होते हैं कि वो उनके लेजेंड हैं फिर आप कहते हैं नहीं रोहित शर्मा है फिर आप कहते हैं नहीं बुमराह है और बीच में उठ के ऋषभ पंत आ जाते हैं बहुत से लोग उनकी बात करते हैं सूर्य कुमार यादव को टी में लोग बहुत बड़ा मान रहे हैं अब ये अश्विन को देखें अपने आप में स्पिन डिपार्टमेंट एक नई क्लास है वो बंदा और अगर यही बड़े प्लेयर आउट ना होते अगर शर्मा खड़ा रहता या कोहली खड़ा रहता मेरे ख्याल अगर ये खड़े रहते तो आज चार रन तो लगे हुए होते आराम से मार उन्होंने खाई है ऐसा नहीं कि मार नहीं थ्री रन हो गए हैं निकल निकल के छक्के मारे हैं चौके मारे हैं और फास्ट बॉलर्स क्या स्पिन बॉलर्स क्या मैथी को किसी को भी नहीं छोड़ा विद द बॉल विद द बैट दे आर अमेजिंग शानदार मतलब 500 से ज्यादा या अश्विन की छठा सौ भी आ गया है इन दोनों की एवरेज और जडेजा छियासी पे नॉट उठ है उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है और आज अश्विन और जडेजा को पहली दफा तो पढ़ नहीं है जिन बंदों के अश्विन के अभी नंबर बताए ना एक सौ एक टेस्ट मैचेस में अश्विन के पांच सौ सोलह विकटे साढ़े तीन हजार रन ऑलमोस्ट पांच बंदे के नंबर है ये आपको शो नहीं करता कि पहली दफा और है या आज ऐसा हो गया कि ओ सब दिल पकड़ गया। ओ सब पकड़ ये तो आज तक तो हमने कभी देखा नहीं नहीं ये तो हाँ शायद इस सिचुएशन में आपने एक्सपेक्ट ना किया कि बांग्लादेश इस तरह हावी हुआ हुआ था जिस तरह वो ऊपर की विकटे निकाल के ले गया तो नीचे इस तरह का कम होगा इस तरह का काउंटर अटैक होगा टेबल्स विल बी टर्न

339 हो गए और अश्विन और जडेजा ने इस मैच में बहुत ही शानदार कम किया है तो मुझे भी अच्छा लगा और तभी पाकिस्तानी मीडिया ने भी बोलना शुरू किया कि भारतीय टीम ये मैच सीरीज आसानी से जीत सकती है उससे पहले सुबह जब एक पे छः आउट हो गए थे तब पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही थी कि बांग्लादेश हो सकते कि भारत से ये टेस्ट मैच जीत जाए क्योंकि कोहली और विराट आउट हो गए पर अश्विन और जडेजा ने जैसी कम बैक की उसके बाद सबको उसने चौक के रख दिया और टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा ऐसा ही हुआ था अमेरिका में विराट परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और जो लोअर बैस्ट थी उन्होंने ज़्यादा रन बनाए और भारत की शानदार जीत करवाई और वर्ल्ड कप के फाइनल में ही विराट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया ताकि मैं मैं ये कहूंगा कि भारत के टॉप ऑर्डर अगर फेल भी हो जाए तो लोअर और मिडिल में ही इतने लोग हैं कि आसानी से भारत हाँ को कोई भी मैच जितवा सकते हैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं है पाकिस्तान में बाबर वजीतवान पे ही पूरी टीम डिपेंड है इसीलिए पाकिस्तानी टीम की ये हालत है तो इसीलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच